Hey, what's up guys? मेरा नाम है सुब्रत, आप देख रहे हैं कस्टम टेक रिव्यूज। एंड गाइज अगेन यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे एक फायरबोल्ट का वॉच आ चुका है, फायरबोल्ट रिंग प्लस। इसके बारे में हम लोग डिटेल तरीके से इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड ये एक डिटेल रिव्यू होने वाला है। तो अगर आप लोग इस वॉच को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड यार चैनल पर मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर सकते हो। बढ़ते वीडियो की तरफ, सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग बॉक्स देखते हो तो बॉक्स में कुछ हाईलाइट मेंशन करेगा। वॉच की यहाँ पे फोटो दी गई है ऊपर की तरफ, 48mm लिखा गया, 1.9 इंच HD डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें लिखी गई है। बैक साइड की तरफ कुछ अगेन हाईलाइट्स मेंशन करे गए हैं, म्यूजिक कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड लेफ्ट साइड में ब्लूटूथ कॉलिंग, ये सारी चीज़ें लिखी गई है। एंड सबसे पहले जैसे आप लोग बॉक्स को ओपन करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपना वॉच रखा हुआ देखने को मिल जाएगा। देन आप लोग को यहाँ पे चार्जिंग डॉक देखने को मिल जाता है जो कि पोगो पिन स्टाइल में अगेन यहाँ पे देखने को मिलता है। पर आप लोग को मल्टीपल सब्सक्रिप्शन कार्ड देखने को मिल जाते हैं जो कि फायरबोल्ट गाना इन सभी की तरफ से आते हैं। एंड नीचे की तरफ आप लोग को यहाँ पे मैनुअल गाइड देखने को मिलेगा, अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। तो वॉच पहली नज़र में मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम फील हुआ है एंड टिपिकल यहाँ पे आप लोग को एप्पल वॉच जैसा लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ दिन यहाँ पे यूज़ करूँगा, देन आप लोग के साथ यहाँ पे मेरा डिटेल रिव्यू शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं इसके बिल्ट एंड डिज़ाइन की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि ये कौन सा वॉच है, तो लुक्स काफ़ी मैटर करते हैं। इसका जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिजेंबल करता है एप्पल के वॉचेस से, तो लुक्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम फील होता है। एंड जो इसका पूरा फ्रेम है यहाँ पे आप लोग को यह मेटल देखने को मिलता है एंड मेटल होने के कारण काफ़ी प्रीमियम फील होता है। थोड़ा सा हैवी फील होता है बट डेफिनेटली प्रीमियम आप लोग को एक्सपीरियंस आप लोग को देखने को मिलेगा। वॉच के अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो राइट साइड में आप लोग को एक क्राउन देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पे माइक्रोफोन के लिए एक पोर्ट दिया गया है। लेफ्ट साइड की तरफ आए तो यहाँ पे आप लोग को स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाते हैं जिसके लाउडनेस के बारे में हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एंड बैक साइड की तरफ आए तो यहाँ पे आप लोग को पूरा ग्लास फिनिश में फायरबोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, चार्जिंग पिन्स है एंड यहाँ पे कुछ सेंसर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, HR सेंसर, रेस्पिरेटरी सेंसर। स्ट्रैप्स की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 22mm वाले स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, तो स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे निकल कर आती है। इंटरचेंजेबल ये स्ट्रैप्स है, अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हो आफ्टर मार्केट तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप लोग इसे लॉन्ग टाइम तक भी पहनते तो बिल्कुल आप लोग को हाथ में कोई इचिंग वगैरह फील नहीं होने वाली, कोई रैशेज नहीं होंगे। इसके और हाइलाइटिंग फीचर की बात करूँ तो इसमें आप लोग को 1.9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 40mm का यहाँ पे डायल देखने को मिल जाता है। एंड जो डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो 240x280 पिक्सल पर इंच का रेजोल्यूशन दिया गया है, तो डिस्प्ले बिल्कुल भी पिक्सलेटेड फील नहीं होता, काफ़ी शार्प डिस्प्ले है। जो कलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे निकल कर आते हैं, सैचुरेटेड कलर्स है। एंड जो डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स है ओवरऑल वो भी काफ़ी बेटर निकल कर आता है, तो आप लोग का जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा रहने वाला है इस वॉच के साथ। मैंने इतने दिनों के यूजेज में मैंने ऐसे कोई दिक्कतें फेस नहीं करी है। इसके अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ, आउटडोर कंडीशन में बिल्कुल सही तरीके से विजिबल रहता है, एकदम अगर हार्श सनलाइट पड़ती है तब थोड़ी बहुत आप लोगों को शेड लेनी पड़ सकती है, बट वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वो सारे ही वॉचेस में रहते हैं। बट ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। चिन नीचे का जो है वो हल्का सा मोटा लगता है, जो ओवरऑल वेजल्स हैं वो काफ़ी सिमेट्रिकल टाइप के देखने को मिलते हैं, तो देखने में काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम फील होता है। एंड इसमें अगर आप लोग ब्लैक कलर के वॉच फेसेस लगा के रखते हो ना तो काफ़ी बेजललेस वाला पूरा आप लोग का एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, पता नहीं चलता है कि बेजल्स कितने हैं, तो ये एक डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ निकल कर आती है। इसमें आप लोग को ब्लूटूथ कॉलिंग दी गई है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर वीडियो में आगे बात करेंगे। एंड इसके अब मैं UI की बात करूँ तो UI काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठीक ठाक से यहाँ पे देखने को मिलता है, लाइक फायरबोल्ट के जो टिपिकल वॉचेस हैं उन्हीं की तरह यहाँ पे UI देखने को मिलता है। ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो आप लोग को कंट्रोल सेंटर मिलता है, यहाँ पे आप लोग को कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है, कॉल का जो ऑप्शन है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे टाइमर देखने को मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन है, सेटिंग दी गई है और भी ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट्स खुल जाता है, जो आप लोगों ने अभी रिसेंटली वॉच में यूज़ करा है वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगी। एंड नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो तो आप लोग को यहाँ पे मेनू खुल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे आप लोगों को दो टाइप के मेनू देखने को मिलेंगे, एक आप लोग को हनीकॉम स्टाइल में देखने को मिलता है एंड दूसरा लिस्ट स्टाइल में, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। एंड जो इसका जो क्राउन है वो काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे अभी तक तो वर्क कर रहा है। UI के अंदर अगर आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल करते हो मेनू के अंदर में तो आप लोग का आइकन्स जो है वो छोटे बड़े होंगे, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड ओवरऑल आप लोग स्क्रॉलिंग के लिए भी इस क्राउन का यूज़ कर सकते हो एंड क्राउन जो है बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कतें नहीं हुई है मुझे। साथ ही आप लोग क्राउन को रोटेट कर यहाँ पे आप लोग अपना वॉच फेस वगैरह चेंज कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी सही रहता है। UI में भी ऐसा कोई दिक्कतें नहीं हुई है मुझे अब तक, हल्के फुल्के जिटर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लैग्स मिलते हैं, बट वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग को अलार्म क्लॉक वगैरह सारी चीज़ों का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्टॉपवॉच मिल जाती है,
म्यूजिक कंट्रोल का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही यहाँ पे आप लोगों को वेदर का भी ऑप्शन है, तो वेदर का भी जो डिटेल वगैरह है वो बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं। साथ ही इसमें आप लोगों को दो बिल्ट इन गेम्स देखने को मिलते हैं, तो अगर आप लोग फ्री टाइम में खेलना चाहते हो तो बिल्कुल खेल सकते हो। उसके अगर यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन की बात करूँ तो इसमें आप लोगों को IP67 की रेटिंग देखने को मिलती है। आई वुड से कि यहाँ पे IP68 होता तो और भी ज़्यादा बेटर रहता, बट IP67 भी ठीक है, चल जाएगा। अगर आप लोग का हल्का फुल्का पानी के छींटे पड़ते तो बिल्कुल सर्वाइव कर जाएगा। इसको पानी में ज़्यादा डीप मत ले जाना, इससे वॉच ये खराब हो सकता है। यहाँ पे वॉच के सेंसर्स की बात करूँ तो इसमें आप लोग को HR सेंसर, SP2 सेंसर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड जो रीडिंग्स वगैरह है वो भी प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे जो HR है वो काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। लेकिन SP2 में आप लोग को यहाँ पे डेडिकेटेड शायद से कोई सेंसर्स नहीं है, क्योंकि SP2 में भी ये ग्रीन लाइट ही जल रहा है, आप लोग देख सकते हो। डेडिकेटेड SP2 अगर होता तो इसमें रेड लाइट जलते। तो SP2 का जो रिजल्ट है वो तो प्रॉपर आ रहा है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि अगर आप लोग कोई हेल्थ इशू वगैरह फेस करते हो तो वॉच पे रिलाई मत करना, जो इक्विपमेंट आते हैं मेडिकल के उन पे रिलाई कर सकते हो। आप लोग को 100 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से पूरा यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, इनडोर रन, आउटडोर रन, फ्री ट्रेनिंग, रोइंग मशीन, और भी कई सारे ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आर्चरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी बिल्कुल ओके तरीके की यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो कॉलिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी यहाँ पे बेटर निकल कर आता है। अगर सबसे पहले मैं इसके स्पीकर के लाउडनेस की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। आप लोग को यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे अपना जो गाने वगैरह है वो वॉच के अंदर सुन सकते हो, बट जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा तो रहता है, बट बेस यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलता है। सो जिससे कि आप लोग का यहाँ पे बैटरी वगैरह ज़्यादा खर्च होगा अगर आप लोग वॉच में गाने सुनते हो। तो मैं कहूँगा कि मीडिया ऑडियो को आप लोग बंद करके रख सकते हो। तो ये तो हो गई स्पीकर की बात, अब बात करते हैं इसके माइक्रोफोन के बारे में। तो मैं आप लोग कभी यहाँ पे कॉल सैंपल सुना देता हूँ, जिससे कि आप लोग को एक अंदाज़ा लग जाएगा जो इसकी कॉल क्वालिटी किस तरीके से यहाँ पे निकल कर आती है। आवाज़ कैसा आ रहा भाई? बहुत टाइट आ रहा है। बैकग्राउंड का नॉइस आ रहा है क्या? नहीं कुछ बोल। हेलो। नहीं, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड का कोई नॉइस नहीं है। ठीक है, वो फायरबोल्ट का रिंग प्लस से बात कर रहा है। अच्छा, ठीक है भाई, अच्छा आवाज आ रहा है, लग रहा है फोन से ही बात कर रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे माइक क्वालिटी सुन ली है, तो आप लोग को यहाँ पे पूरा अंदाजा लग गया होगा कि क्वालिटी किस तरीके से आ रही है माइक की। ट्रैफिक में थोड़ी बहुत आप लोग को यहाँ पे डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है, बट इंडोर कंडीशन या फिर अगर आप लोग नॉर्मली बात करते हो ना, तो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। एंड इवन स्पीकर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी यहाँ पे बेटर निकल कर आती है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन वाले पार्ट में, तो क्या आप लोग को ये वॉच लेना चाहिए? डेफिनेटली ये आप लोग को 3,000-3,500 के अंदर आई गेस मिल जाना चाहिए। अगर उस प्राइस पर मिल जाता है तो डेफिनेटली उसको कंसिडर कर सकते हो। एंड गाइस, अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यार चैनल पे नया मेरा कंटेंट पसंद आता है, इसी तरह के और भी कंटेंट देखने हैं, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से और अपने वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, पीस आउट।